नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे तो सीटेट या सुपर टेट या आप जो भी रीट का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आप देखिए कि आपके इस टॉपिक से यानी डेवलपमेंट विकास से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारूंगा उम्र भर किसी और से नहीं, ये खुद से मैंने वादा किया है। किसी और से नहीं, खुद से ये मैंने वादा किया है। तो बस दोस्तों सिर्फ 5 मिनट आप अपना दीजिए। सिर्फ 5 मिनट में आपके छोटका वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेवलपमेंट, आखिर विकास क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर दिया तो आप कहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। व्हाट इज द डेवलपमेंट, आखिर विकास क्या होता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम सभी को, सभी बच्चों को मेरे। आइए स्टार्ट करते हैं विकास डेवलपमेंट। देखिए विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है और विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। दोस्तों पॉइंट नोटेड माई स्टूडेंट, यानी विकास क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या होता है ये, क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। दोस्तों नहीं समझ में आया, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ भाई, कहानी सुन के तो बहुत ही अच्छा याद आता है। कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, यानी कि दो भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, दो भाई थे दोस्तों, गए मार्केट में। ये दोनों गए तरबूज खरीदने। क्या खरीदने गए? तरबूज खरीदने, जहां बड़े बड़े तरबूज थे, छोटे छोटे तरबूज थे, सब थे, हर प्रकार के तरबूज थे। बड़ा भाई जानता था कि जो छोटे तरबूज होते हैं, कुछ मीडियम तरबूज होते हैं, जो छोटे तरबूज होते हैं वो क्या होते हैं, पके भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर छोटा तो छोटा, छोटे में ये लगता है भाई बड़ा तरबूज है, ज्यादा मिलेगा खाने के लिए। हाँ, तो उसने कहा भैया बड़ा वाला तरबूज लेंगे। छोटे बड़े ने कहा कि नहीं बेटा, छोटा तरबूज लो, वो पका है ज्यादा, वो मीठा है, वो अच्छा है। कहा नहीं 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 नहीं, कहा ठीक है अच्छा बड़ा, उसको सिर्फ बड़ा दिख रहा था, उसने बड़ा तरबूज ले लिया। छोटे ने बड़ा तरबूज ले लिया, बड़े ने छोटा तरबूज ले लिया। और जब वो घर गए, घर उन्होंने जब काटा तरबूज को, तो जो छोटा था उसके तरबूज में देखा तो वो क्वालिटी नहीं थी, वो गुड़ नहीं था, उसका तरबूज पका हुआ नहीं था, खाने में बिल्कुल मीठा नहीं लग रहा था। पर जैसे ही बड़े ने अपने तरबूज को काटा, जो कि न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा था, मीडियम साइज का था, उसका तरबूज बहुत मीठा था। क्या था? मीठा था, और न बहुत बड़ा था न छोटा था, यानी उसके अंदर सारे गुण थे दोस्तों। उस तरबूज के अंदर क्या थे? उस तरबूज के जो बड़े भाई ने खरीदे थे सारे गुण थे। वही क्या है? आपका विकास है। वही क्या है? डेवलपमेंट है दोस्तों। क्या है? विकास है, जिसे हम देख भी सकते हैं। जैसे कि किसी भी बच्चे की लंबाई बढ़ रही है और उसका मानसिक का विकास भी हो रहा है, वही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। अगर आपको समझ में आया तुरंत लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको समझ में आ गया एक ही कहानी में कि आखिर विकास क्या होता है। दोस्तों और समझना है, आइए आगे चलते हैं, जानते हैं क्या होता है डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है, तो उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। जब आप मेच्योर होते हैं, आपको पता चलता है कि ये गलत कार्य है, ये सही कार्य है, कौन सी भाषा का यूज हमें करना चाहिए, किस भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, वही क्या है? डेवलपमेंट है दोस्तों। वही क्या है? विकास है। आइए और समझते हैं आखिर क्या होता है विकास, डेवलपमेंट। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण यानी कि मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। जब यानी विकास का गुड पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, विकास का रूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, कि विकास का रूप आखिर कैसा होता है, आंतरिक होता है कि वाह होता है कि दोनों होता है, तो आपको ऑप्शन क्या होगा? भाई आंतरिक और वाह दोनों हुआ था, मेरे रत्नेश सर ने बताया था
कि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, कैसे होता है सर जरा समझाइए। अरे भाई आंतरिक कैसे होता है, जैसे कि आपका मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, जैसे कि आपके जैसे जैसे आपकी भाषा का विकास होता है, आपकी मस्तिष्क का विकास होता है, जब आप बोलते हैं किसी के सामने तो लगता है अरे यार कौन सा व्यक्ति बोल रहा है, अरे क्या बोलता है ये व्यक्ति। जैसे आप कभी नरेंद्र मोदी की भाषण सुना हो आपने, कितना अच्छा बोलते हैं, अरे वाह यार कितना ज्ञान है इनका। कहते नहीं है कि आपकी भाषा से ही आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, आपके ज्ञान का पता चलता है, आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, यानी कि आपकी भाषा से ही हम लोग पता चल जाता है कि अरे यार ये कितना एजुकेटेड पर्सन है, कितना इसकी ज्ञान है, कितनी इसकी शिक्षा है, किससे, भाषा से, जो कि क्या है आपकी बाह है, लोगों को दिखती है, सुनाई देती है। और उसका जो नॉलेज है, मेंटली नॉलेज है, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, पर वो अनुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे का ज्ञान कितना है आपकी किससे, भाषा से। वही बात कही गई कि विकास का स्वरूप क्या होता है, आंतरिक एवं बाह दोनों होता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, ये डेवलपमेंट है, नेस्ट है दोस्तों। और नहीं समझ में आया तो देखिए, विकास जीवन भर चलता है। अरे जीवन भर कैसे चलता है, अभी समझाते हैं भाई। विकास जीवन भर चलता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। कैसे चलता है, अरे भाई कहा जाता है जो विकास होता है आपका वॉर्म टू टॉम होता है। क्या होता है, वॉर्म टू टॉम होता है भाई, वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम, टॉम मिस यानी कि कब्र, वॉर्म टू टॉम दोस्तों, वॉर्म टू टॉम होता है, टॉम यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक। अरे कैसे सर गर्भ से लेकर कब तक विकास होता है, अरे भाई अभिमन्यु की कहानी किसने नहीं सुनी होगी, अभिमन्यु की कहानी किसने नहीं सुनी। जब अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो अभिमन्यु कहाँ था, सब जानते हैं भाई, गर्भ में था, तभी उसने सीख लिया था, तभी उसके बौद्धिक विकास हो चुका था, वो जान चुका था कि चक्रव्यूह किस प्रकार से तोड़ा जाता है, सारी चीजों को जान लिया था। इसीलिए आपका जो विकास होता है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक होती है दोस्तों। मृत्यु तक कैसे होती है, जब आप अंतिम समय में भी जाते रहते हैं तो आपको ये ज्ञान होता है, जब मैं थोड़ा सा वृद्ध था तो कोई मेरे पास नहीं आता, आज मेरी मृत्यु हो गई, देखो हजारों लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, और जब मैं वृद्ध था और जब मुझे लोगों की सहायता थी, मुझे लोगों की मदद चाहिए थी, मुझे लगता था कि लोग आके मुझसे बातें करें, तो कोई मेरा साथी नहीं था। तो मरते मरते भी आप सीखते हैं दोस्तों, तो वही चीज है, यानी वॉर्म टू टॉम जो विकास होता है वो हमारा जीवन भर चलता है। याद आ गया ना कि रत्नेश सर ने बताया था, जो डेवलपमेंट होता है वो वॉर्म टू टॉम चलता है, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक दोस्तों। नेक्स्ट है, विकास में निश्चित क्रम होता है दोस्तों। क्या होता है, विकास में निश्चित क्रम होता है, कैसे सर, आइए एग्जांपल देते हैं, उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, जैसे कि मानसिक विकास दोस्तों। जैसे कि आपको किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो आप पहले अक्षरों को सीखते हैं, भाई ये क है, ये ख है, ये ग है, ऐसे सीखते हैं, फिर क में आ की मात्रा लगा का, फिर आप सीखते हैं शब्दों को बनाना, का ग ज, का और ग मिलके क्या बनता है, ज मिलता है, कागज बनता है। तो एक निश्चित क्रम है दोस्तों, पहले आप अक्षरों को सीखे, फिर मात्राओं को सीखा आपने, फिर आपने शब्द बनाना सीखा दोस्तों। क्या है ये, एक निश्चित क्रम है, आप पहले ही क्या बताइए शब्द बनाना सीखते नहीं ना, आप पहले ही आप लिखना स्टार्ट कर दिया आपने नहीं ना, पहले आपको अक्षरों का ज्ञान होता है, फिर आपको मात्रा का ज्ञान कराया जाता है, फिर आपको लिखना सिखाया जाता है, बेटा ऐसे लिखो, कागज लिखो, कलम लिखो, हाँ हाथी लिखो। तो ये क्या होता है, विकास निश्चित क्रम में होता है दोस्तों, धीरे धीरे निश्चित क्रम में होता है, ठीक है, हम वो ये चीज है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, विकास सामाजिक विकास नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट होता है दोस्तों, जो सामाजिक विकास होता है, हमारा नैतिक विकास होता है, उसका मापन नहीं किया जा सकता। समाज इन द सेंस, आपको मैंने कई बार बताया है दोस्तों, समाज इन द सेंस हमारी फैमिली,
हमारी हमारे आस पड़ोस, हमारे दोस्त, हमारा विद्यालय, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? ये समाज है दोस्तों। तो इनसे भी हम सीखते हैं, इनसे भी हम भाषा, संस्कृति, कल्चर, पहनावा, सारी चीजें सीखते हैं, इनसे हम ग्रहण करते हैं। तब हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, विकास होता है दोस्तों। तो यही इसको हम क्या कर सकते हैं? नहीं माप सकते, पर मेंटली मानसिक विकास को मापा जा सकता है। जैसे किसके भाई आप टेस्ट ले रहे हैं, बालक का मौखिक टेस्ट ले रहे हैं, लिखित टेस्ट ले रहे हैं, तो पता चल रहा है हाँ भाई गणित में इनकी क्या कंडीशन है। आप बता सकते हैं कि हाँ ये गणित में ठीक नहीं है। कुछ समय बाद आपने टेस्ट लिया, हाँ भाई अब तो गणित में ये अच्छा नंबर ला रहा है। तो किसके माध्यम से? परीक्षण के माध्यम से, मूल्यांकन, परीक्षा लेते हैं, उसका टेस्ट लेते, तो बता सकते हैं कि इसका मानसिक स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो वही चीज है, करें। नेक्स्ट है आपका विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया विकास क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। मैंने बताया था ना, बड़ा तरबूज, छोटा तरबूज, और छोटे तरबूज में क्या था? जो छोटा तरबूज था दोस्तों, उसमें क्वालिटी भी थी, वो मीठा भी था, मीठा भी था, और मात्रा में भी वो सही था, न बहुत ज्यादा बड़ा न बहुत ज्यादा छोटा। कैसा था तरबूज? तो वो तरबूज क्या था? मीठा भी था और मात्रा में भी सही था। तो यानी कि विकास क्या होता है? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है दोस्तों, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों होती है दोस्तों। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। अब मुझे लग रहा है सारे बच्चों को व्हाट इज द डेवलपमेंट, विकास की आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर दोस्तों क्लियर हो गया है तो सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।